मेरो बेटो तो भाई जनता का साथ है, अब भी नीम का थाना में जानू नहीं चाहूंगा, चाहे मैं दोनों माँ बेटो ही जान दे देंगे। आके घर में रहना चाहते हैं, आके घर में रहेंगे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें आके घर से अलग कर दे। जो शांतिपूर्ण अनशन हो, फिर भी 200 से 300 पुलिस वालों भेड़ा हो या अकेला गया, कुछ लोग प्रयास करे जा रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं कुचला, ऐसे फल हो गया मेरा। बस मेरे लड़का खुद शहीद हुआ है, मेरे जो भाई है वो कारगिल में लड़ाई लड़ चुका है। राम जी, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू और आदमा पूछ कहाँ झुंझुनू के गुड़ागोड़ी क्षेत्र में, और गुड़ागोड़ी क्षेत्र में नीम का थाना नहीं मिलाने के लिए लोग जगह पे आमरण अनशन को बात करेगी। काफ़ी सारी जगह भीड़ है, बाउरा है, और वहाँ सुबह से बातचीत यह भी चल रही है कि जो तहसील जगह का ताड़ो लगाया जाओ के पूरा मामलो है, के प्रोसेस होगी और अनशन खत्म होगो को नहीं होगो, सारो जगह वो बिल्कुल संशय को विषय बन रहा है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होना है, शेयर कर देना और लास्ट तक देखना। मैं आपको बताऊँ, कोई एक दो आया होगा, ये लड़का पूर्व पंचायत समिति सदस्य है, मेरे यहाँ पूर्व और वर्तमान सभी जनप्रतिनिधि यहाँ इस धरने पे आए थे। बड़ी विडंबना की बात है, उनमें से मुझे कोई एक या दो नहीं दिखाई दे रहे। शायद वो ये सोच रहे थे कि मर रहा कि जी रहा ऐसा पता करने आएगा, मेरा नहीं है ये, मेरा अकेले का तो काम नहीं है। लेकिन मैं एक बौद्धिक आदमी हूँ और मुझे पता है कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र की बहुत दूर दशा होने वाली है। अब यहाँ के गरीब लोग तो बाहर जाके नहीं बस सकते, और ये सिरमौर जिला वीरों का जिला, शहादत देने वाले जिले को इस तरह से तोड़ा जा रहा है और हमें इस तरह से लोकतंत्र में कष्ट दे रहा है। मैं गांधीवादी तरीके से बैठा हूँ। कार के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील लग रही है, आखिरी कील लग रही है। आपने थोड़ी मांग की थी कि जी हमें जिला चाहिए, की थी क्या? ये शहीदों की भूमि झुंझुनू जिला, जब आप विदेश में भी जाते हैं तो जब इतना सा कहने की जरूरत है कि मैं झुंझुनू जिले से हूं, तो भी वो उनको पता चल जाता कि झुंझुनू जिला कहां है। निसंदेह आप सब इस जनमानस के यहां की मौजूदगी से इन हुक्मरानों को आज ये पता चल जाएगा कि जो वोट तंत्र की पॉलिटिक्स है उसको एक गुंडा के लोग स्वीकार नहीं करने वाले। ये गंगा और यमुना तहजीब के लोग हैं, यहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ मिलके रहते हैं। यहां कहा जाता है कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैं हम शाम तक नहीं रह सकते तो इस आदमी को, वो तो डिसीजन देखो फिर ये लेंगे अपना। मैं तो एक निवेदन ही कर सकता हूँ, तो क्योंकि माँ भी है, बच्चे हैं, बीबी है, भाई साहब दुख होता है, ठीक है ना। आपने 8 दिन बहुत शानदार जानदार संघर्ष किया यार, कमाल की बात है। आपके लिए हम जी जान दे देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपकी इतनी हिम्मत की बात है, आपने 8 दिन भूखा और प्यासा कर तो आपने लोगों को, रोज मैं देखता था 500 लोग तो यहाँ बैठे रहते हैं, हकीकत में जब भी आया 400-500 लोग बैठे रहे। और अगर वो चेक करें कि अगर मैंने एक दिन भी कोई अन्न का दाना लिया नीम का है, एक तो ये बात कई लोग हैं अभिशाप है, मैं मेरे दिल से सत्य, तो वो प्रमाणित कर दें कि क्या इस आदमी ने अन्न खाया था। क्योंकि ये लोग कल से इतना गुमराह कर रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी होटल है, उसका मतलब नाम ही नहीं जा रही, भाई बता दो वहां से होटल है, बात करेंगे तो होती है जनता, ये तो मेरे लोग हैं इनसे तो बात करेंगे। गुड्डा गोड़ की पता नहीं, ये तो आप आए हैं मैं बैठा हूँ, लेकिन जिनको जो मेरे को 50-50 हजार लाइक भेज रहे थे और हम आ रहे हैं, तो वो उनके लिए भी तो कहना था मुझे। अब वो लोग जिनमें से एक ये बढ़ाना थे जरूर, जिसने कहा तो ये रात को भी मेरे पास आते थे, मैं बोला यार ऐसा कुछ हुआ एक रात को, तो मामूली प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो एसडीएम साहब को मैंने इसलिए भेजा, बढ़ाना जी राज के आदमी है, पार्टी पॉलिटिक्स में हमने रखा भी नहीं इसको, और ये आदमी भी बढ़ाना जी भी इसको पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं लेगी, बोला विरोधी हो सकते हैं आपस में, मैं विरोधियों को नहीं उलझने दूंगा और मुझे कोई ढूंढ भी ना पड़ेगा तो क्यों मैं गुड्डा गोड़ जी को बचा, मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टी पॉलिटिक्स से। अब मैं एसडीएम साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कलेक्टर साहब या मंत्री साहब से बात की कैसे, ताकि या तो कलेक्टर साहब या मंत्री जी कोई हमें बताए कि भाई आप क्या कर रहे हो, और अगर आपने
लिख करके कुछ नहीं दिया है या नहीं जा रहा है तो हमें आके बताते कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि राम और राज के रस्ते तो ऊपर से होते, मैं तो अकेला कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैं शायद ही आपका कर्ज उतारना चाहूँगा, शायद आपका कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगा, और आप मेरे को बचाने के लिए भी और गुड्डा गोंड जी को बचाने के लिए भी आए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आराम से जाइए, सहकुशल जाइए, और मैं आपका आसानी कभी नहीं भूलूंगा। मुझे क्या करना, क्योंकि मैंने आपसे पूछ के तो लिया नहीं फैसला कि मुझे क्या करना। भाई हम जब जाएंगे, सुनो राम अवतार जी, राम अवतार जी, हम जब जाएंगे तो तुम्हें अनशन छुड़वाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से। एक हम अगर आप ये कहेंगे कि आप चले जाओ, नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे। सत्सुर हम दादाजी में बैठे ही आपका साथ आज दिन में लगातार अठे रहे हूँ। मेरो भाई है या छोटो है बड़ो है, पांच दिन को मारो खड़े हो, एक माह का जन्म आए या मेरे यहाँ, तो मैं भाई से एक गुजारिश करूँ, यूँ अनशन तोड़ लो तो माना तेरी भी जरूरत है या नहीं अनुभव में बिल्कुल भी मैं तेरे साथ रहे। घर जाके टूट जाएगा अनशन तो सुन लो यार, ये भी कोई बात होती है नहीं, गलत बात है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अनशन आपसे आपकी भावनाओं की बेकदर करता हूँ ये मानता हूँ, लेकिन मैं अनशन तोड़ लूंगा, लेकिन मैं खुद ही तोड़ूंगा, और मैंने खुद ही रामोदार जी की माँ यहाँ है, बुलाइए उनको एक बार, रमजान उनके हाथ से नहीं, आप जिनको जिन्होंने ये जीवन आपको दिया है, ये जीवन उन्होंने ही आपको दिया है। रामोदार जी की माँ माता जी यहाँ है, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, ये सारे लोग एक स्वर से बिल्कुल सारा आपके साथ है, आपका समर्थन कर रहे हैं, और ये जीवन जिन्होंने धरती पे आपको दिया है, हम उनके हाथ से आपका यह अनशन तोड़ाएं। ये जो आदमी आए ना रामोदार जी, सुनो रामोदार जी, ये एक आदमी 100 आदमी की ताकत रखता है, और बता देता हूँ यहाँ 15-20 हजार आदमी की ताकत है। मेरा बेटो तो भाई जनता का साथ है, अब भी नीम का थाना में जानू नहीं चाहूंगा, चाहे मैं दोनों माँ बेटो ही जान दे देगा, अब भी चाहे 8 दिन में ना खाओ बुलाई, मैं 8 दिन ना खाओ, मैं 8 दिन नहीं लागत युवा क्यों जुड़ पाया था साथ में? मैं जुड़े युवा, लेकिन मैंने असफल मान लिया, हमारे लोग नहीं मार ले, नहीं युवा मारने, लेकिन मैं चाहता था कि ये पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं उलझे, लेकिन ये उलझ गया और मैंने मान लिया कि असफल हो गया, बिल्कुल हो गया। युवा भी जागे, सैनिक परिषद भी जागी, सब जागे, आए भी हैं, लेकिन मैंने आज के दिन तो इसको असफल स्वीकार करता। मैं इन लोगों का, बडाना जी का, इनका एहसान, या ये जो लोग, ये बच्चे इनका, ये मामू जी हमारे, जो भी ये आजी, इनका एहसान, मतलब मेरे ये सब लोग आए, इनका एहसान पक्का। अगर ये मुझे एक भी फोन करेंगे ना कि तू पाकिस्तान हमारे लिए जाके आए, तो मैं पाकिस्तान में 10 बार जाके, 100 बार जाके आऊँगा। बस इसके अलावा शेष मुझे आगे क्या करना है या हमारे ये इन लोगों को क्या करना है, वो तो बाद की बात है। शांतिपूर्ण अनशन हो, फिर भी 200 से 300 पुलिस भेड़ा हो गया, अकेला गया, कुछ लोग प्रयास नहीं, किसी ने नहीं कुचला, असफल हो गया मेरा। बस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कोऑपरेट किया, और हमने राजनीति से हटके ही आंदोलन किया। राजनीति करता हूँ, मैं भी करता हूँ, 15 साल से 16 साल से राजनीति की, लेकिन जहाँ इस मंच पे आके मैंने अपने उसी दिन राम अवतार जी को बोल दिया था कि ये मंच आज राजनीति का नहीं है, और मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन ये आंदोलन राजनीति के भेंट पर चढ़ गया। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ईमानदारी कितनी दिखाओ, यहाँ तो मामला दूसरा ही है, और बहुत आज भी ऐसी नहीं है, पब्लिक खूब आई, फौजी आए, नौजवान आए, बुजुर्ग आए, माताएं आईं, खूब शानदार, मतलब। लेकिन रामोतार जी जो चाहते थे कि भी यहाँ कम से कम आज 20,000-25,000 आदमी या 10,000 आदमी होना चाहिए, उस तरीके से वो सेटिस्फाइड नहीं है। हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है आंदोलन करने का,
आज हमने ये बिगुल बजाया तो धीरे धीरे उठेगा। अभी तारो एक बयान भी आयो कि शांतिपूर्ण तरीके से जो वो जंग कौन जीती जा सके पीपर के खड़ो तारो शांतिपूर्ण तरीके से तो बात कर ही रहे थे ना, कमेटियां बन गई ना यहाँ पे, तीन तीन ग्रुप बन गए शांतिपूर्ण के, इन नेताओं को जवाब नहीं दिया आज तक। शांति से बात करें तभी तो इतनी बड़ी गुटबाजी होगी। कितना बड़ा मुद्दा है, जुनून है, हमारी भावना है झुंझुनू जिले के साथ में। हम लोग चाहते हैं कि झुंझुनू जिले से इतना प्यार है हमारे, मतलब डेडिकेशन हमारा अपना व्यक्त नहीं कर सकते। और उस जिले के मुद्दे के ऊपर ही नेताओं ने इतनी बड़ी राजनीति की है सोशल मीडिया पे की है, और कह रहे हैं कि राम अवतार दिवा फलानी पार्टी का आदमी हो रहा है, तो तुम्हारी पार्टी कौन सी दूध की धुली हुई है। उन नेताओं से आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग जिस प्रकार का इस आंदोलन को आपने कुचलने का प्रयास किया, जिस प्रकार की आपने इस मार्केट के अंदर गंदी गंदी बातें की हैं, ये जवाब जयंत मूंड आपको मार्केट में देगा। राम राम जी। राम राम साहब, मैंने बताओ कि गुड्डा क्षेत्र ने जो वो नीम थाना मिला रहे हैं, क्या लगा है कि आपने जो झुंझुनू है वो सैनिका की नगरी है और एक तरह से उस सैनिका को अपमान भी है। ये तो बहुत बड़ा सैनिकों का अपना अपमान है, झुंझुनू जिला है वो सैनिकों के सामने शहीदों के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, यही नहीं पूरे देश के अंदर नहीं, सैनिकों की धरती है झुंझुनू जिला और शहीदों की धरती है। इसमें अनगिनत सैनिक हैं और शहीद हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम है, उनको अपनी शान आन बान की मतलब वो जिला है तो वो नहीं जाना चाहते नीम के थाना में कभी, वो झुंझुनू जिला में ही रहेंगे मरते दम तक रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े जयपुर तक, लेकिन ये गुड्डा कोट जी है वो इसी में रहेगा और झुंझुनू जिला में रहेगा। और मैं तो उस परिवार से हूँ जो हमारा पूरा परिवार ही सेना में है, तो हम कभी नहीं चाहते हमारे तो बच्चे सब मतलब हमारे तो परिवार के अंदर मेरे लड़का खुद शहीद हुआ है, मेरे जो भाई है वो कारगिल में लड़ाई लड़ चुका है, वार इंजरी है, और हम तो यही चाहते हैं कि गुड्डा के अंदर रहे, अगर गुड्डा के अंदर रहेगा तो हम ये बताना चाहते हैं कि गुड्डा के लिए संघर्ष करेंगे और जितने भी फौजी हैं और सब मिलके किसान और सब जोर शोर से जयपुर तक जाएंगे और मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे और इसको यहीं रहने देंगे और जय भारत। अच्छा मैंने बताऊं कि पब्लिक भी सगड़ी यही चाह रही है, और साथ में बात करें कि जवान की बात करें फिर किसान की बात करें, सब जो ये चाह रहे हैं कि झुंझुनू रहना चाहो, फिर भी ज़बरदस्ती क्यों हो रही है, क्या लागे कोई राजनीतिक कारण है फिर और कुछ नहीं? राजनीतिक कारण या सरकार के या किसी पार्टी के हम लोग पक्षमैन बरखिलाफ नहीं हैं, हम इस फैसला के बरखिलाफ हैं। हम लोगों ने फौजों का इतने काम करते हैं तब हम लोगों ने देखते हैं कि एक आदमी को कितनी मजबूरी और कितनी परेशानी होती है, किसान आदमी होता है तो उसको उसका नाम चेंज करने के लिए, इसका एड्रेस चेंज करने के लिए, एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चा फौज में जाता है भर्ती होने के लिए, अगर उसका आधार कार्ड झुंझुनू का बन जाता है और वो उसका सर्टिफिकेट वगैरह गाँव से होता है तो उसको मतलब सेना के डॉक्यूमेंटों से आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम आने वाली है इस तरीके से अगर हमारे साथ में हो गया तो। और रही बात यह है कि जिन जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा दिखते हैं, महिलाओं को, बुजुर्ग आदमियों को नीम का थाना जाने में, यहाँ आज हमारे गुड्डा क्षेत्र के अंदर एक CST कैंटीन खुला है, नज़दीक आकर अपना सामान लेके जा सकते हैं। इस तरीके से अगर जिला झुंझुनू की बजाय नीम का थाना बन गया तो बुजुर्ग आदमी जाने में, बस में जाने में दिक्कत होगी, विरंगनाओं को होगी, विधवाओं को दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट के लिए मुख्यालय में जाना पड़ता है, जिला समस्या बहुत ज़्यादा थारो के ऊपर मानना है कि समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर नीम का थाना जबरदस्ती जाना पड़ेगा। जो समस्या को सामना यही करना पड़ेगा, जो कि सैनिकों के लिए, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और सैनिकों के लिए जो कार्रवाई करवा रहा हूँ सैनिक बोर्ड से, तो सबसे पहले तो ये होगा कि सैनिक बोर्ड गठन होने में वहाँ कितना टाइम लगेगा, उसके बाद में उनके डॉक्यूमेंटेशन जो अभी यहाँ मौजूदा जिला होते हुए भी तीन तीन चार चार छः छः महीने छः छः साल लग जाती हैं और फिर भी जवाब नाक के बराबर मिलता है। तो मेरा निवेदन तो यही है कि हमारे को इसी ज़िले से जुड़ा हुआ, क्योंकि शहीदों का ज़िला, इसमें ज़्यादातर लोग सेना से संपर्क रखते हैं, उनका ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन अब सिविल में सिविल जनता है उसका तो क्या एक आधार कार्ड बनना है, लेकिन उसके लिए तो उसको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ मुसीबत ये है कि झुंझुनू ज़िले में घर घर में फौजी है और सबको ये समस्या होगी, और इसके लिए हमें
आमरण अनशन किया है उसमें हमारे को काफ़ी मतलब हद तक सफलता मिली है। उसके बाद में इससे आगे की जो रणनीति हम बना रहे हैं और उसके लिए जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा हम लड़ेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर नाकारा करती है तो वो ऊपर वाले की बात है। राम राम जी। राम राम जी। मैं कहूँगी थे भी उराया हो के आ गए कि आरजे 18 से के लगाव है, क्यों कौन जानो चाहो बताना हुआ? निमका थाना में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि जब भी कोई स्टेट बनता है या जिला बनता है तो उसकी कुछ सिचुएशन देखी जाती हैं, जैसे भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु और बोलचाल की भाषा, तो ये सारी हमारी और निमका थाना की डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रदेश है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है और वो वाला अरावली प्रदेश में आता है, तो इस और आने आने की जो साधन सुविधा है वो भी हमारे झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे बहुत अच्छी है, तो इसीलिए हमारी ये मांग है कि हमें निमका थाना में नहीं जाना और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं। जी साहब, सब देख रहे हैं कि सबको जो कोई यही मानना है कि निमका थाना कौन जाना, थारी के ऊपर केयर आई है कि मैंने दबा कितनी केयर रंग लिया होगी, मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा, वीडियो जो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार बनाए रखो।